رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله مولانا العظيم جميع سامعين محترم حاضرين مكرم بانيان ہفتہ واری جلسہ دیگر نوجوان ساتھیوں سننے والے میرے محترم خواتین و حضرات اعلان کے مطابق ایک انتہائی خصوصی بہت زیادہ قابل توجہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے مضمون اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ آیت مبارکہ کے متعلق کچھ عرض کیا جائے، حصول برکت کے لیے طریقہ کار کے مطابق سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ، پھر انتہائی خصوصی توجہ کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، کل یا پرسوں محترم جناب مولوی محمد ذاکر بھائی صاحب سے میری گفتگو ہوئی۔ آج کے پروگرام کی یاد دہانی کے سلسلے میں تو گفتگو کے درمیان میں یہ بات طے ہوئی کہ ایسے مسائل پر یہ مہینہ واری اجتماع جو منعقد کیا جا رہا ہے اس میں ہم بحث کریں اور گفتگو کریں، جو آج خطرناک سے خطرناک ظاہری بیماریوں سے بھی بڑھ کر ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں۔
इंसान शुऊर की मंजिल में नहीं है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे शुऊर और एहसास में वो बीमारियां, वो गुनाह और वो जरायम नहीं हैं जो हमको दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत की हर मंजिल को तबाही के दुहाने पर पहुंचा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम नमाज की पाबंदी कर लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सुजूद कर लें और उसकी बारगाह में गर्दन झुका लें तो हमारा दुनिया व आखिरत का बेड़ा पार है। तो यकीनन नमाज भी कामयाबी के लिए जरूरी है, लेकिन यह तसव्वुर उसके साथ कायम होना बहुत ज्यादा गैर जरूरी है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने से दुनिया व आखिरत की भलाई मिल जाएगी। दोस्तों नमाज के बहुत ज्यादा तकाजे हैं, इबादत के बहुत ज्यादा तकाजे हुआ करते हैं, उसके उसूल होते हैं, उसके कवायद होते हैं, फिर उसके जवाबित होते हैं। जब तक हम पूरे तकाजों को पूरा करके इबादत के मुसल्ले पे नहीं खड़े होंगे तो उस वक्त तक हम इबादत की आखिरी मंजिल पे पहुंचने की तो दूर की बात है, इबादत की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख सकते। गर्ज के पहले तो हम इबादत से भी दूर हैं। अगर हम कभी नमाज के लिए आ जाएं या नमाज के पाबंद हो जाएं तो हमारे अंदर यह तसव्वुर कार फरमा होता है कि अब नमाज पढ़ लिए तो अब हमारी कामयाबी मुकद्दर बन गई, अब हम अल्लाह तबारक व ताला के चहीते बंदे बन गए। नहीं दोस्तों, नमाज बहुत सारी चीजों का तकाजा करती है। नमाज से पहले नमाजी के लिए जरूरी है कि वो जिस तरह जिस्म को पाक करके मुसल्ले पे खड़े रहना है या मस्जिद में आना है वुजू की हालत में, हाथ पैर की सफाई और पाकीजगी की हालत में जिस्म को गुस्ल शुदा रख कर आना है, जाहिरी पाकीजगी और तहारत और सफाई जिस तरह एक नमाजी के लिए जरूरी है, ठीक इसी तरह उससे ज्यादा जरूरी दिल की पाकीजगी है, दिमाग की पाकीजगी है, रूह की पाकीजगी है। दोस्तों जिस्म को अगर पेशाब लग जाए, कपड़ों को नजासत लग जाए तो कपड़े नजिस होते हैं, जिस्म नजिस होता है, जिस्म नापाक होता है, लेकिन दिल को गंदा करने वाली जो पलीदगियां हैं, जो हसद की शक्ल में मौजूद है, तकब्बुर की शक्ल में मौजूद है, खुद पसंदी की शक्ल में मौजूद है, बड़ाई के तसव्वुर के शक्ल में मौजूद है, दूसरों की कमतरी और अपनी बरतरी के तसव्वुर में ये जो दिल की खबासत मौजूद है और अदावत की शक्ल में मौजूद है, बुग्ज की शक्ल में मौजूद है, कुदूरत की शक्ल में मौजूद है, गर्ज के दिल को और रूह को दिमाग को पलीत करने वाले जितने काम हैं उन सारे कामों से जब तक हमारा दिल पाकीजा नहीं होगा उस वक्त तक हमारा नमाज पढ़ना कोई माना नहीं रखेगा। भाई हमारा इबादत करना भी कोई ज्यादा हमारे अंदर तरक्की पैदा नहीं करेगा। पहले इन सारी खराबियों को दूर किया जाए तब कहीं अपने आप को आरास्ता करने के लिए नमाज के लिए खड़ा हो जाए। तो ये बात याद रखें कि नमाज ये बंदे मोमिन के लिए एक जेवर है। क्या है? जेवर है। ये इबादत के जितने रूप हैं, फिर इबादत के जितने ढंग हैं, जितने तरीके हैं, नमाज है, जकात है, रोजा है, हज है, तवाफ है, तिलावत है, किरात है, जिक्र है, तस्बीह तहलील है, ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं ये जीनत पैदा करती है। दुनिया व आखिरत में बंदे के लिए जीनत पैदा करती हैं, बंदे को सजाती हैं, बंदे को आरास्ता करती हैं, बंदे को पैरास्ता करती हैं, बंदे के अंदर हुस्न व जमाल पैदा करती हैं, बंदे को एक इंतहाई बहुत ज्यादा हुस्न व जमाल का पैकर बनाती हैं। गर्द के ये बंदे को आरास्ता करने वाली चीजें हैं, बंदे को सजाने वाली चीजें हैं। लेकिन दोस्तों सजावट से पहले पलीदगी को दूर अगर किया जाए तो सजावट सजावट होती है, वरना गोबर के ऊपर
एक अच्छा सा चांदी का कवर पहनाने से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। अगर हम अपने आप को आरास्ता करना है, सजना है, फिर अपने आप को जीनत वाला बनाना है, तो जितनी खबासत वाली चीजें हैं, जितनी हमारे अंदर खराबियां हैं और जितनी जेवर को, खूबसूरती को, जमाल को खत्म करने वाली चीजें हैं, उन सारी चीजों को हटाया जाए, तब कहीं इसके ऊपर जेवर चढ़ाया जाए तो वो हुस्नो जमाल आदमी को और हमको, बंदे को कमाल की मंजिल में पहुंचाता है। तो दस्तूर भी दुनिया का यही है कि जंग दूर किया जाए, तब कहीं जाकर आप कुछ पानी चढ़ाएं सोने का, चांदी का, तो उसका फायदा होगा। जंग आलूद चीज पर आप कितना ही ज्यादा कोशिश कर लें, वो उतना ज्यादा हुस्न जमाल और जीनत और जेवर का काम नहीं करेगा, वो उतना ज्यादा उसके अंदर कमाल नहीं पैदा कर सकता। तो दोस्तों, मुख्तसर सी मिसाल के जरिए से मुझे और आपको ये दर्स हासिल करना है, हमको ये सबक हासिल करना है आज की निशिस्त, और बिलखसूस आज की निशिस्त के खसूसी मौजू की बरकत से, कि जब तक हम दिल को पलीत करने वाली खराबियों को दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आरास्ता करने वाली, सजावट करने वाली जितनी चीजें इख्तियार करेंगे, वो कोई कमाल हमारे अंदर नहीं पैदा करेंगे। जरा कुरान मजीद में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है, बेशक नमाज गुनाहों से रोकती है, जराइम से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है, बुराइयों से आदमी को बचाती है नमाज, नमाज पढ़ने वाले को बुराइयों से रोकती है नमाज। तो नमाज तो बुराइयों से रोकती है, लेकिन ये क्या बात है कि आज हम नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बुराइयों में बराबर मुलव्वस। हमारी नमाज हमको बुराइयों से नहीं रोक रही, हमारा जो तर्ज अमल है वो बता रहा है, फिर हमारे शबोरोज की जो जिंदगी है वो इस बात पर दलालत कर रही है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन बुराइयों से नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब हमारी नमाज बुराइयों से हमको नहीं रोक रही है, हालांकि कुरान की शहादत है बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि यकीनन जो नमाज होती है वो बुराइयों से बंदे को जरूर रोकती है। नमाज पढ़ने वाला कभी भी कोई बुराई के करीब नहीं जा सकता। लेकिन ये क्या बात है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ के ऐसा बाहर निकलते हैं तो वहीं से हमारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। हम मस्जिद से निकले झूठ शुरू, हम मस्जिद से निकले हसद शुरू, हम मस्जिद से निकले बगावत शुरू, हम मस्जिद से निकले बदकमला कलामी शुरू, हम मस्जिद से निकले किसी की मुखालफत शुरू। ये जो हमारी नमाज है ये हमको बुराइयों से क्यों नहीं रोक रही है? दोस्तों, उसका पस मंजर सिर्फ यही है कि हम नमाज ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं जैसे नमाज खुद पढ़ने का मुतालबा हमसे कर रही है। नमाज चाहती है कि मैं मुझको अदा करने से पहले दिल पाकीजा बनाया जाए, दिमाग मुअत्तर किया जाए, रूह को पाकीजगी अता की जाए और जिस्म के साथ साथ दिल को मुनव्वर और मुजल्ला किया जाए, सारी खराबियों से दिल को पाक करके। अगर मुसल्ले पे खड़े रहकर आदमी खियाम और खुरू किया, किरात और रुकू और सजदा करे और उसके बाद वापिस हो जाए, खबरदार खुदा की कसम वो नमाज कभी भी बंदे को गुनाहों के अड्डों की तरफ नहीं ले जा सकती। हमारा काम यह है, हम नमाज तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं लेकिन जो सुथराई चाहिए ना, जो सुथराई, जो सफाई, उस सफाई के साथ हम नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं। हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे दिल के अंदर बीमारी है हसद, हमारे दिल के अंदर बॉक्स की बीमारी है, हमारे दिल के अंदर खुद पसंदी की बीमारी है, हमारे दिल के अंदर घुमंड की बीमारी है। न जाने कैसी कैसी बीमारियों में हमारा दिल मुलव्वस है, सारी बीमारियों के नरगे में हम मुलव्वस है और हमको शुऊर भी नहीं है। जुल्म बालाए जुल्म यह है, सितम बालाए सितम, हमको शुऊर भी नहीं है कि ये बीमारियों में हम मुलव्वस हैं। है शुऊर नहीं है हमको। भाई आपके सर में अगर दर्द हो तो आप क्या करते हैं? भाई आप इलाज कराना चाहते? हमको शुऊर होता ना, अभी पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो जिस्मानी बीमारी है, सर में दर्द, पेट में दर्द, पैर में दर्द,
हाथ में जख्म, ये जिस्मानी बीमारी है। जब जिस्मानी बीमारी में हम आ जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, हम फौरी उसका इलाज करते हैं, हमको शऊर हो जाता है, शऊर कोई दिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि हम पेट पकड़ के निकल जाते हैं दवाखाना, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर में दर्द हो रहा है। हालांकि ये जिस्मानी बीमारी ये सिर्फ हमको दुनिया में किसी हद तक सेहत को मुतासिर कर सकती है, लेकिन दोस्तों जिन बीमारियों का जिक्र मैं कर रहा हूं और आज जिस बीमारी का तस्किरा आपके सामने हो रहा है हसद के एतबार से, ये ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो इंसान को दुनिया में नहीं आखिरत में की हर मंजिल में भी तबाव ताराश करके जहन्नम के ईंधन में ढकल देती है। हमको एहसास ही नहीं है इसका। हम कभी ऐसा फैसला किए, हमारे शऊर में कभी आया कि हमको नहीं भाई हमको हसद की बीमारी का इलाज करवाना है, शाम तक अगर मेरे सर में दर्द हो तो मुझे बिल्कुल एहसास होगा, शऊर होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, पेट में दर्द हो तो अच्छे से अच्छा एक्सरे कराना है, डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन कभी ऐसा हमने सोचा है कि हमारे अंदर बॉक्स की बीमारी है, बड़ाई अपने आप को तसव्वुर करने की बीमारी है, घुमंड की बीमारी है, खुद पसंदी की बीमारी है, हसद की बीमारी है, इसका इलाज करवाना है? नहीं भाई, इलाज कराने की तो दूर की बात है, हमारी लिस्ट में, हमारी फेहरिस्त में ये सारी चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है, हम इसको बीमारी समझ रहे ही नहीं। जो बीमारी हमको जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते से गुजार कर जहन्नम की भड़कने वाली आग की लपेट में डालने वाली है, और ऐसी बीमारी है आज की जो बीमारी जो जिक्र में आ रही है हसद, यह ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जितनी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है दिल की बीमारियों का, तो यह सारी बीमारियों की जड़ यह बीमारी है। सारी बीमारियों से सबसे बड़ी बीमारी का नाम हसद है। इंसान के दिल को, रूह को, दिमाग को जितनी बीमारियां खराब और तबाह करती हैं, उन सारी बीमारियों में अगर सबसे बड़ी बीमारी का नाम है तो वो हसद है। हसद है, दबे भी अंदाज में छुपा हुआ है, जाहिर नहीं हो रहा है भाई, हम अंदर पाल के रख रहे हैं, यह हमारे अंदर के गिरेबा में छुपा हुआ है, हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। दोस्तों ये तस्वुर बड़ा हमारे लिए तबाही का बाइस बनने वाला है, हलाकत खेज है कि हम अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और ऐसे ही मुसलसल नमाज भी पढ़ते रहेंगे तो नमाज भी काम आने वाली नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, हुजूर का इरशाद है कि इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। यह हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि ऐ लोगो याद रखो, बेशक हसद सारी नेकियों को, एक नेकी नहीं सारी नेकियों को हसद ऐसे ही खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। भाई आग लकड़ी को जिस तरह खाती है, सारी बीमारियों को हसद ऐसे ही खा जाता है। तो आप लाजमी बात है कि हसद सबसे बड़ी बीमारी है, हसद सबसे ज्यादा तबाही का बाइस है, हसद सबसे ज्यादा हलाकत खेजी का नाम है, हसद हद से ज्यादा इंसान और बंदे को तबाह करने का नाम है। तो लिहाजा यह हर किस्म की नेकी को तबाह करता है। हसद अगर है सजदे तबाह है, हसद अगर है रुकू तबाह है, हसद अगर है तबलीग तबाह है, हसद अगर है दावत का काम तबाह है, हसद अगर है इबादत तबाह है, हसद अगर है हज का तवाफ भी तबाह है, हसद अगर है उम्रे भी तबाह है, हसद अगर है कुरान की तिलावत भी तबाह है, हसद अगर है इल्म और आलिमाना शान भी तबाह है, हसद अगर है हर किस्म की नेकी तबाही के दुहाने पे पहुंच जाती है, कोई नेकी बाकी नहीं रहती। सरकार फरमाते हैं हसद सारी नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जिस दिल में हसद हो नमाज का सवाब बाकी रहने वाला नहीं है, जिस दिल में हसद हो उसकी इबादत का सवाब मिलने वाला नहीं है, सारी सारी नेकियों को खा गया हसद। दोस्तों बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है हम कहने और सुनने से पहले, फिर अल्लाह से ये भीख मांगने की जरूरत है दुआ करते हुए कि अल्लाह तू इस खतरनाक बीमारी से तू अपने फजलो करम से हमको बचा ले। हम नहीं बच रहे हैं, नहीं बच रहे भाई, ये हम नहीं बच रहे हैं।
बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो मैं सूरह निसा की आयत मुबारका के चंद अल्फाज आपके सामने पढ़ाऊँ। कुरान मजीद के अंदर यूँ तो बहुत सारे मकामात पर हसद की पलीदगी और उसकी खबासत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। हसद इतनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही। परवरदिगार आलम का इरशाद है, क्या ये यहूद लोग, याद रखें यहूदियों के बारे में हो रहा जिक्र सूरह निसा में, परवरदिगार आलम यहूदियों से मुतालिक फरमा रहा है, क्या ये यहूदी हसद करते हैं लोगों पर, लोगों से हसद करते हैं, अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, उस पर हसद करते हैं उस नेमत पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से लोगों को अता फरमाया। तो अल्लाह ने अपने फजल से लोगों को जो कुछ दिया तो उस पर ये यहूदी हसद करते हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान को और उनकी आल औलाद को, जिसमें हमारे आखा भी तशरीफ लाए जिस खानदान में, तो उनको हमने हिकमत अता फरमाई, किताब भी दी और उनको बहुत बड़ी बादशाहत से नवाजा। तो सूरह निसा के ये करीमात बता रहे हैं कि हसद ये जो बीमारी है ये दरअसल यहूदियों की बीमारी है। हसद यहूदियों की बीमारी है, हसद यहूदियों के दिल में रहता था। हसद हमारे इस्लामी मुआशरे में कहां से मुंतकिल हुआ भाई? आज आपसे अगर पूछा जाए कैंसर कहां से आया भाई, तो आप पता बताएंगे वहां से आया भाई। एड्स की बीमारी कहां से आई? वहां से आई, जो जिस्म को मुतासिर करती है। फलां बीमारी कहां से आई? वहां से मुंतकिल होके आई। याद रखना, कुरान की रोशनी में ये बात अर्ज कर रहा हूं, हसद की बीमारी यहूदियों से मुंतकिल होकर इस्लामी मुआशरे में आई। ये यहूदियों की बीमारी थी। जो हासिद होता है, जो हसदखोर होता है, वो यहूदियों की रविश वाला होता है, वो यहूदियों की बीमारी को इख्तियार किया होता है। ये यहूदियों का तरीक़ेकार था कि अल्लाह ने जिन बंदों को नेमत से सरफराज फरमाया, अपने फजल व करम से जिनको नेमत अता की, यहूदी लोग चिढ़कर उस नेमत, उस मिलने वाली नेमत पर हसद का शिकार होते थे। हसद कहते किसको हैं? जरा ये भी जायजा लें कि हसद किसको कहते हैं। तो हसद कहते हैं कि दूसरे को मिलने वाली नेमत पर आदमी ये तमन्ना करना कि उसको मिलने वाली जो नेमत है वो खत्म हो जाए। दूसरे को मिलने वाली अल्लाह की तरफ से जो नेमत है, मिलने वाली नेमत, इस पर आदमी ये ख्याल करना और ये आरजू करना कि वो मिलने वाली नेमत उसकी खत्म हो जाए, तो इसको हसद कहते हैं। याद रखिए, ये हसद है, जवाले नेमत चाहना, दूसरे की नेमत का खत्म होना चाहना, ये हसद है। हाँ, अलबत्ता आपको इजाजत है कि किसी साहेब नेमत को देखे, किसी मालदार को देखे, किसी साहेब इल्म को देखे या किसी भी फजीलत वाले को देखे तो आपके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो गई, ऐ परवरदिगार उसको तूने जो नेमत अता फरमाई वो नेमत मुझे भी अता कर दे, तो इसको हसद नहीं कहा जाता, इसका नाम रश्क है। यह रश्क है, यह दुरुस्त है, इस पे सवाब भी मिलेगा, ये अच्छा काम है। उसको जिस तरह तूने दिया मुझे भी अता फरमा, ये रश्क है। और ये कहना और ये आरजू रखना उसको जो कुछ दे रहा है या मिल रहा है वो खत्म हो जाए, इसको हसद कहा जाता है। ये आपको इजाजत नहीं है, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो यहूदियों का तरीक़ेकार ये था, यहूदी हसद करते थे। यहूदियों का हसद ये आम लोगों से नहीं था, यहूदियों का हसद अल्लाह के रसूल के साथ था, सरकारे दो आलम के साथ था। सरकारे दो आलम पर रोजाना जो वही का नुजूल होता था, सरकारे कायनात की जात से रोजाना जो मोजिजात का इजहार होता था, परवरदिगारे आलम के इनामात की बारिश होती थी, हुजूर का मर्तबा रोजाना लाखों दर्जे जो बुलंद होता था, उसको देखकर यहूदी इस खबासत में मुब्तला हो गए थे कि ये अल्लाह के नबी, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, इनके जो कमालात हैं ये कमालात खत्म हो जाए, नऊज़ बिल्लाह। तो ये हसद की बीमारी उनके अंदर पैदा हो गई थी। तो ये हसद की बीमारी मुंतकिल होके हमारे अंदर आई।
ये यहूदियों की बीमारी हमारे अंदर आई। मैं आगे अर्ज करूंगा कि कितना बड़ा हसद से पाक रहना, ये कितना अच्छा काम है। फिर आदमी को कौन सी कितनी बड़ी तरक्की अता करता है, फिर हसद में मुब्तला रहना ये इंसान को कितना ज्यादा तबाही के दुहाने पे ले जाता है। चुनांचे हसदखोर जो होता है उसकी निशानदही करते हुए कुरान मजीद ने वाज़े किया, सूरह आले इमरान में आता है, एक मकाम पर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन यमसस्कुम इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा। ये सूरह आले इमरान में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हसदखोर की निशानदही करते हुए कि अगर तुमको ए ईमान वालो अगर तुमको कोई भलाई पहुंचे तो ये हसदखोर जो होते हैं उनको वो भलाई तकलीफ देती है, वो गम में आ जाते हैं, तकलीफ में आते हैं। अगर तुमको नेमत मिले, फरहत मिले, खुशी मिले, कमाल मिले, मनसब मिले, जाहो जलाल मिले, मर्तबा मिले, सुकून मिले, राहत मिले, मालदारी मिले, गिना मिले, तवंगरी मिले, तो उनको तकलीफ होती है। वइन तुसिबकुम सय्यतुन और अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचे यफरहू बिहा तो इस पर उनको खुशी होती है। हसदखोर की यही कैफियत होती है ना। कुरान ने वाज़े जो किया कि जिससे हसद कर रहा है तो उसको अगर मुसीबत में देखे तो खुश होता है और आसाइश में देखे तो गम में आता है। हालांकि मुसीबत में जिससे हसद किया जा रहा है उसकी मुसीबत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई, नेमत भी तो अल्लाह की तरफ से मिली, मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से आई। तो जब मुसीबत आई तो वो हसदखोर खुश होता है, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कहां ले जा रहा था बच्चे को, बुखार आ गया था, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया बच्चा, दवाखाना ले जा रहा, खुश होगा वो जिससे हसद करा, खुश होगा कि इसके ऊपर मुसीबत आ गई, अब मैं कामयाब हो गया, मैं जो सोच रहा था कामयाब होगा तकलीफ हो गई, तो इस तरह खुश हो जाता है। और अगर कोई नेमत पहुंचे, और लाजमी बात है कि जब किसी बंदे पर, मोमिन पर, पक्के मोमिन पर जिसका सीना हसदखोरी से साफ है, उसके ऊपर जब मुसीबत आती है, अल्लाह तबारक व तआला, ये बात याद रखें बतौर खास, परवरदिगार आलम अपने बंदे पर जब कोई मुसीबत डालता है तो मुसीबत देता ही है इसलिए कि जैसे ही मुसीबत खत्म हो बड़ी राहत दे दे। हर मुसीबत के पीछे दो राहतें देता है, एक मुसीबत देता है इसलिए कि दो राहतें देना होता है। तो हसदखोर करता क्या है, जब मुसीबत देखता है तो खुश हो जाता है, उसको पता तक नहीं होता कि इस मुसीबत के बाद वो परवरदिगारे आलम दो राहतें देने वाला है। तो जैसे ही मुसीबत को देखा तो खुशी मनाया और उसके बाद दो राहतें आई तो फिर वो गम में आ गया, राहतों को देखा तो गम में आ गया। ये उसकी कैफियत होती है। सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के आखिरी सूरह में, सूरह नास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आखिरी जुमला है कुरान मजीद का, आखिरी जुमला है, क्या है भाई, आखिरी जुमला है कुरान मजीद का। पहला जुमला क्या है भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद का आखिरी जुमला क्या है, मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। ये जो है उसके जिमन में फिर आ गया है कि आखिरी जुमला है कि वो मिनल जिन्नति वन्नास भी आया, तो वो आखिरी जुमला और आखिरी सूरा, बल्कि आखिर के जो दो सूरे हैं वो इसी मजमून पर मुश्तमिल हैं हसदखोरी के। ये आखिरी परवरदिगार आलम ने फरमाया सूरे फलक के अंदर कि ओमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि ए महबूब आप फरमा दें कि मैं पनाह मांगता हूं, तेरी पनाह में आ जाता हूं हसदखोर से जबकि वो हसद करे, हसदखोर की हसदखोरी से मैं पनाह मांगता हूं कि कितना खतरनाक होता है वो। फिर उसके बाद ये जो हुआ था, दो सूरे नाजिल ही हुए इसलिए क्योंकि वह हसदखोरी के नतीजे में जो जादू करे थे लोग, याद रखें कि हसद इंसान को कहां तक पहुंचाता है, हसद इतनी बड़ी पलीत बीमारी है कि हसद जादू की दहलीज पे पहुंचाता है, नतीजा हसद का जादू है, हसद का नतीजा जादू है। कोई आदमी एक जगह बैठ के अगर देख रहा है कि आदमी कार में जा रहा है आ रहा है, एक बिल्डिंग थी दूसरी हो गई, तीसरी कार हो गई,
चौथी कार हो गई, पैसे हो गए, राहतें मिल रही, तो वो तो जवाल चाह रहा, खत्म होना चाह रहा, तो खत्म तो नहीं हो रहा, रोज बरोज इजाफा हो रहा, तो उसको खत्म करने के कुछ तदबीर भी करेंगे ना। अब उसकी अपनी दिल की भड़ास निकालने के तदाबीर करेगा कि खत्म कैसे करूं। खत्म करने के लिए हसद के बाद सबसे पहला दरवाजा जो वो खटखटाएगा तो उसका नाम जादू है, जादू करेगा, जवाले नेमत के लिए करेगा। तो ये हसद की बीमारी इंसान को जादू तक पहुंचा दी। फिर उसके बाद हसद खोर के अंदर अगर वो भी पूरा काम ना करे तो आखिरकार हसद खोर ये फैसला कर लेगा कि अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, खत्ल तक पहुंचाएगा। याद रखें कि दुनियाए इंसानियत में जबकि आदमियों की इब्तिदा हो रही है, हजरत आदम अलैहि सलाम के दो बेटे हैं, एक है हजरत हाबील, दूसरा है वो खाबील। खाबील और हाबील ये हजरत आदम अलैहि सलाम के बेटे हैं। खाबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, दुनिया का इंसानों में पहला कत्ल, पहला मर्डर, पहला कत्ल। खाबील जो बेटा था भाई, वो अपने भाई को कत्ल कर दिया। वजह क्या थी बताइए? वजह सिर्फ हसद। दुनिया का पहला कत्ल हसद की बुनियाद पे हुआ, हसद की बुनियाद पे हुआ कि हाबील के हिस्से में शादी के लिए जो बच्ची आई थी, खाबील चाहता था कि उससे मैं निकाह करूं, जबकि उस शरीयत में वो मना था, वो नहीं कर सकता था। तो लिहाजा वो जान का दुश्मन बन गया, अपने भाई का दुश्मन बन गया, फिर भाई से हसद करने लगा नेमत पर। तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि कत्ल कर लिया। पहला कत्ल हसद की बुनियाद पर हुआ। इतनी बड़ी पलीद बीमारी है हसद। दोस्तों ये सब कुछ होगा तो दुनिया में होगा, आखिरत में हसद खोर का बहुत बड़ा बुरा होने वाला है, दुनिया में भी होने वाला है। चुनाचे हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस जानिब तवज्जो दें कि हमारे अंदर कहीं हसद तो घुस के नहीं आया है। हम किसी को देखकर दिल में कोई बार तो महसूस नहीं कर रहे हैं उसकी नेमत को देखकर, ऐसा हो रहा हमसे, हो रहा है। किसी की तरक्की देखकर जलना, जलना और हसद करना ये आम बात हो गई, शऊर भी हमको नहीं है। चुनाचे दोस्तों मैं एक ऐसी हदीस सुनाने वाला हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। वो हदीस जब आप सुनेंगे तो यकीनन दिल के अंदर एक ऐसी नूरानियत पैदा होगी कि वहीं से एक चिंगारी भी जलेगी कि यकीनन यहां से उठने से पहले यह तहैया करके उठना है कि हम कभी भी हसद का शिकार नहीं होंगे, और रोजाना सुबह शाम जायजा लेंगे कि कहीं हमारे अंदर हसद की खराबी तो नहीं आई। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, यह हदीस शरीफ तफसीर कबीर के अंदर मौजूद है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु से रिवायत है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम बारगाह रिसालत में सरकार की बारगाह में हाजिर थे, सब सहाबा का जम्मे गफीर है। अचानक सरकार ने फरमाया कि अभी थोड़ी देर के बाद तुम लोगों के सामने एक ऐसा शख्स आने वाला है जो इसी झाड़ों की घाटी से निकलने वाला है, यहीं से आने वाला है, और उस शख्स के आने से पहले मैं उस शख्स के बारे में तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि वो आने वाला जन्नती है, एक जन्नती आने वाला है, नमूदार होने वाला है। सहाबा इकराम जब ऐसे कलिमा सुनते तो तजस्सुस पैदा होता था कि वो जन्नती कौन होगा, वो कौन खुशनसीब होगा जिसके बारे में आकाए दो जहां उसकी पीठ पीछे फरमा रहे हैं, आने से पहले फरमाते हैं कि वो जन्नती है आने वाला। तो इतना ही था कि एक अंसारी सहाबी, एक अंसारी शख्स वहां हाजिर हो गए। उनकी कैफियत ये थी कि मालूम होता था कि अभी अभी वजू करके आ रहे हैं। तो हदीस में आता है कि उनकी दाढ़ी मुबारक से पानी के खतरे गिर रहे थे, चेहरा भीगा हुआ था, और उनके अपने नालैन, उनके चप्पल वो अपने सीधे तरफ डाले हुए थे, लटकाए हुए थे। तो इस तरह बड़ी सादगी के साथ वो शख्स आया, बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, सलाम अर्ज किया, सरकार जो कुछ गुफ्तगू फरमाना था कर लिए, फिर वो शख्स चला गया, वो शख्स चला गया। सहाबा इकराम भी चले गए, ज्यादा तवज्जो अभी नहीं हुई किसी की,
भाई इतना ही मालूम हुआ कि वो जन्नती है तो उसको लोग तो देखे मुबारकबाद दिए होंगे, मगर जब दूसरे दिन सहाबा इकराम फिर तशरीफ हाजिर हो गए सरकार की बारगाह में तो सहाबा ने फिर वही जुमला दोहराया दूसरे दिन कि अभी तुम बैठो कि अभी इस जानिब से जन्नती आने वाला है। दूसरे दिन भी वही जुमला, सहाबा इकराम ने मुलाहदा देखा कि फिर वो पहले दिन का शख्स ही है, फिर उसी हालत में उजू के खतरे पानी के खतरे गिर रहे हैं और वो अपने नालायन उठाकर आ रहा है सादगी से सहाबा इकराम के सामने। सरकार ने पहले ही दूसरे दिन भी फरमाया था कि ये जन्नती है। फिर उसके बाद मजलिस खत्म हो गई, सब चले गए। तीसरे दिन जब मजलिस मुनक्किद हुई आखाए दो जहां ने तीसरे दिन भी फरमाया कि जन्नती आने वाला है, जन्नती आने वाला है। तीसरे दिन भी जब खुशखबरी सरकार ने सुनाई सहाबा क्या देखते हैं कि तीसरे दिन भी बदस्तूर वही शख्स आ रहा है। तो एक शख्स के बारे में सरकार कौनैन ने तीन दिन तक जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई लोगों को खसूसी तवज्जो दिलाने के लिए कि यह हकीकी जन्नती है। तो सहाबा इकराम की तमन्ना बढ़ गई, तजस्सुस बढ़ गया, आखिर यह कौन सा नेक काम करता होगा कि जिसके बारे में सरकार कायनात ने तीन दिन तक मुसलसल जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। मैं आपसे पूछता हूं आखाए दो जहां महबूबे खुदा, सिर्फ एक ही मर्तबा किसी को कह देना काफी है या तीन दिन सुनाना जरूरी है जन्नती होने की खबर? बोलिए भाई, भाई एक मर्तबा जुम्बिश लबों को होना काफी है। हम लोग यहां बैठे हैं, काश ऐसा मुकद्दर हो जाए, यकीन रखो कि हमारे बारे में सरकार बोलना नहीं, सरकार ने अगर आबरू का इशारा कर दिया तो हमको जन्नत मिलेगी। तो तीन दिन तक सरकार ने खुशखबरी सुनाई तो यह अहमियत बताने के लिए, भाई उस शख्स की अहमियत बताने के लिए सरकार ने यह तीन दिन तक खुशखबरी सुनाई। कितना बड़ा अहम शख्स होगा, कितना बड़ा नेक काम करने वाला होगा। तो उतने में एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला, जब वो शख्स वापिस होने लगा मजलिस बर्खास्त होने के बाद, सरकार उठे और रोज हुजरे शरीफ में तशरीफ ले गए। सहाबा भी वहां से जब छट गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रहमत रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अब मेरे दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हो गई कि जरा मैं इस शख्स के साथ रह के देखूं कि ये नेकी कौन सी करता है, क्या नेक काम करता है, कौन सा अमल करता है जिसकी बुनियाद पर आखा ने तीन दिन तक जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक प्रोग्राम बनाया उसके साथ रहने का। भाई कोई भी आदमी अपने घर में तीन दिन कैसे रख लेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो आपको यह जानना था कि इसका अमल क्या है, भाई इसका अमल क्या है। तो आपने फरमाया उससे कि ऐ शख्स बात यह है कि जरा घर में मेरे और वाली साहब के दरमियान में अनबन हो गई है, एक मसला पैदा हो गया है। तो मैंने वाली साहब से अर्ज कर दिया है कि तीन दिन तक मैं अब आपके सामने नहीं आऊंगा, तो अब मुझे तीन दिन तक कहीं रुकना है, मैं चाहता हूं कि तेरे घर में रुकूं, तेरे घर में रुकूं। तो उस शख्स ने कहा ठीक है आप मेरे घर तशरीफ लाएं, मैं मेहमान बनाऊंगा। तो आप उसके घर में तशरीफ ले गए। अब रात में आराम करने का जब वक्त आया तो साहब ये रसूल है ना, तो हमारे जैसे गाफिल हालत में तो सोते नहीं थे, वही उनकी रातें इबादत से मुनव्वर होती थी। तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला ने देखा आपने मुसल्ला बिछा कर नमाज नवाफिल शुरू कर दिए। तो आपने उस शख्स को देखा कि ईशा की फर्ज पढ़ लिया और सुन्नत वगैरह पूरा पढ़ के जैसे ही घर आया तो नवाफिल वगैरह भी ज्यादा नहीं पढ़ा और वो तान के बिस्तर डाल के और ओढ़ के सो गया है। हत्ता के जब फज्र की अदा हुई तो फज्र की नमाज के लिए उठा और मेरे साथ नमाज के लिए चला। मैं उस रात उसकी कोई खास नेकी तो देखा ही नहीं, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये तो कोई इबादत गुजार भी नजर नहीं आता, बड़ा फराइज की पाबंदी तो कर रहा है लेकिन नवाफिल कसरत से पढ़ना, ये इबादत में रोजाना रहना, रात भर तौबा इस्तिगफार करना, रोना बिलाना, ये जो कैफियत है ना अच्छे लोगों की, बड़े मर्तबे वालों की, तो इसमें से कोई भी नहीं है, रात भर तो आराम से सो गया है। तो दूसरे दिन
दिन भर भी उसके साथ रहे, कोई खास नेकी तो नजर नहीं आई कि वो पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा है, फिर अपने घर के जो भी काम है वो कर ले रहा है। दूसरा दिन जब हुआ रात में, फिर आपने मुलाहिदा फरमाया, हो सकता है पहले दिन कुछ थका हुआ था होगा। दूसरे दिन भी वही कैफियत है कि रात भर आप इबादत में रहे और सोता रहा, ईशा की नमाज के बाद सोया फजर तक। तीसरा दिन आया तो वही कैफियत है, तीन दिन तो पूरे हो गए थे क्योंकि वालिद साहब से अनबन जाहिरी तौर पे जो हो गई थी तीन दिन की थी, तो अब तीन दिन के बाद तो रहने की गुंजाइश ही नहीं है। तो जब तीन दिन के बाद ये तासुर लेके वापिस हो रहे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं, मेरे दिल में यह तासुर पैदा हो गया कि यह कोई खास नेकी करने वाला तो नहीं है, कोई अच्छी छाप मेरे दिल पे इसके बारे में नहीं पड़ी। तो अब मैं ऐसे ही वापिस होने लगा तो मेरी जो परेशानी थी, मगर मैं ये बार बार पलट के सोचता था, सरकार ने तीन दिन इसको जन्नती होने की खुशखबरी क्यों सुनाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो खास इबादत गुजार भी नहीं है। तो बड़ा हैरान था, वापिस हो रहा था तो मेरे चेहरे की हैरानी देखकर उसने पूछा, मेहमान कुछ मेहमान नवाजी में फर्क तो नहीं हो, कुछ आपकी इज्जत अफजाई में कुछ मैं कमी तो नहीं किया? आप परेशान नजर आते हैं, क्यों ऐसा बिल्कुल गमजदा नजर आते हैं, हशाश बच्चाश चेहरा तो नहीं है? तो आप फरमाते हैं कि मैंने अब रास फाश किया। भाई बात यह है कि ना मेरे से वालिद साहब का कोई अनबन मामला हुआ, ना कोई मसला पेश आया, बात दरअसल यह है कि तेरे गायबाने में सरकारे कौनैन ने, जन्नत बांटने वाले नबी ने तीन दिन तक खुशखबरी सुनाई थी कि ये जन्नती है, तुझे तो पता ही नहीं है, वो तेरे सामने कोई इजहार भी नहीं किया, तो जन्नती है तो ये राज जानना चाहता हूं, जानने के लिए मैं तेरे पीछे हो गया हूं एक तरीका बताकर कि वालिद से अनबन हो गई, घर में थोड़ा सा मसला पैदा हो गया, मैं तेरे पास रुकूंगा, तो ये जानने के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। तो अब मैंने तेरे ऊपर कोई ऐसी नेकी के ज्यादा असरात तो नहीं देखे कि रात भर तू इबादत में रह रहा है, दिन भर रोजे में रह रहा है, तो इसलिए अब मैं चूंकि जाहिर में कुछ पाया ही नहीं हूं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आखिर किस बुनियाद पर तू जन्नती है। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती तो हर सहाबी है, लेकिन तीन दिन तक ताकीद के साथ जो जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई गई, ये फजीलत जो मिली इसका क्या पस मंजर है, वो जानना चाहता था, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं वापिस हो रहा हूं। तो वो शख्स कहने लगा, बैठो, थोड़ा बैठ जाओ। फिर उसके बाद उसने आज खुद कहा, भाई मैं कोई बड़ा इबादतगार नहीं हूं, मैं कोई ऐसा दिन भर रोजा रखने वाला नहीं हूं ज्यादा, मैं कोई नवाफिल की कसरत करने वाला नहीं हूं, सरकार ने मेरे बारे में जो जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई, क्योंकि वो आकाए दो जहां है वो हर एक के दिल के कैफियत जानते हैं, तो मेरा यकीन है कि हुजूर ने इसीलिए मुझे जन्नती करार दिया होगा कि मैं, मेरे अंदर एक कैफियत है, मेरे अंदर एक नेकी है, मैं भी अगर सोचूं जायजा लूं तो उस नेकी के अलावा कोई नेकी मेरे अंदर है नहीं ज्यादा बड़ी, मेरे अंदर कैफियत यह है जो मुझको इस मर्तबे पे पहुंचाई, वो यह है कि जब भी मैं अल्लाह के किसी बंदे पर नेमत का नुजूल देखता हूं, अल्लाह का फजल उतरता हुआ देखता हूं, कोई नेमत को मिलता हुआ देता हूं, किसी बंदे को खुशहाली में देखता हूं, किसी को राहत में देखता हूं, किसी को दौलत में देखता हूं, और किसी को इंतहाई आला गिना में देखता हूं और तवंगरी में देखता हूं, नेमत मिलता हुआ देखता हूं, तो अपने दिल में उसके बारे में कोई खराब तसव्वुर लाए बगैर दिल में सोचता हूं, अय अल्लाह तू इसकी नेमतों में मजीद और इजाफा फरमा, मैं जलता नहीं हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला उसके सामने बरमला ये कहते हुए वापिस होते हैं, अय मेरे दोस्त तेरी इसी नेकी की बुनियाद पर खुदा की कसम महबूबे दो जहां ने तुझको तीन दिन तक जन्नती होने की मुतवातिर खुशखबरी सुनाई, क्योंकि तेरे अंदर हसद नहीं है, तेरे अंदर हसद का तसव्वुर नहीं है, तेरे अंदर हसद के जरासीम नहीं है, तो इसीलिए तू इस काबिल बना कि तीन दिन तक सरकारे कौनैन ने तुझे जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई।
तो दोस्तों हसद से पाकीजा दिल ऐसा बेमिसाल दिल होता है कि आखाए दो जहां एक दिन एक मर्तबा नहीं 3 दिन तक जन्नती होने की उसको खुशखबरी सुनाते। तो आज हमको जरूरत इस बात की है कि इस तरह अपने दिल को पाकीजा बनाएं। दिल बहुत गंदे हो गए हैं, साबुन लगाते लगाते जिस्म तो पूरा अच्छा हो गया होगा लेकिन दिल बहुत ज्यादा पलीद है। जायजा अगर लिया जाए तन्हाई में बैठकर अगर हम लोग सोचें, दिल बहुत ज्यादा मुतासिर है, दिल कीने में लपेटा हुआ है, दिल हसद में मुब्तला है, दिल बुग्ज में है, दिल झगड़े में है, दिल किसी के बारे में बुरी सोच में है, दिल किसी के बारे में नुकसान की तलब और तमन्ना और आरजू में है। ये सारी पलीदगियां जब तक खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक नमाज भी कोई खास असर पैदा नहीं करेगी। तो दिल को पाकीजा करने की जरूरत है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दब्बा इलैकुम दाउल उमम कबलकुम अलहसद वल बग़्ज़ा। सरकार फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मेरे उम्मतियों, गुलामों, याद रखो तुम्हारी तरफ पहले की उम्मतों की बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारी तरफ रेंगते हुई आएंगी, तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएंगी। तो सरकार ने सबसे पहली बीमारी जो बड़ी पहले की कौमों के आपने सुनाई वो है हसद। सरकार ने फरमाया हसद की बीमारी तुम्हारे अंदर रेंग के आएगी, मुंतकिल हो जाएगी, खून के तरह तुम्हारे अंदर दौड़ेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल बग़्ज़ा, और बुग्ज तुम्हारे अंदर आएगा। फिर आखा ने फरमाया वल बग़्ज़ा, और हल्का बना के बैठने वाली भी कैफियत तुम्हारे अंदर आएगी। हल्का बना के बैठने की कैफियत अच्छी भी होती है, दीन की बातें, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं अल्लाह की तौफीक से, तो दीन के लिए भी हल्का बना के बैठते हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया पहले के जमाने में लोग किसी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के तदाबीर करने के लिए, किसको कैसा नुकसान पहुंचाया जाए उसके बारे में प्रोग्राम बनाने के लिए मिलकर बैठते थे, तो वो कैफियत तुम्हारे अंदर भी आएगी। तो आज है भाई, आज है ये सब हमारे अंदर पाई जा रही। तो जो बीमारी, जिन बीमारियों के बारे में सरकार ने निशानदेही फरमाई पहले की कौमों की, वो सारी बीमारियां हमारे अंदर है, फिर भी हम बचे हुए हैं। ये हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है। पहले के कौमें इन बीमारियों में जब मुब्तला थे क्या हुआ था, कोई शाम में सो गए सुबह उठने तक बंदर बना दिए गए थे। इन बीमारियों के नतीजे में पहले के लोगों पर अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रात में सोए तो सुबह तक खिंजीर बना दिए गए। किसी पर पत्थरों की बारिश नाजिल कर दी गई, किसी को जमीन में धंसा दिया गया, किसी के जिस्मों को सड़ा दिया गया, कोई तो ऐसे भी हो गए कि खाना पकना तक खाना और चावल होता था, खाने के लिए बैठ जाते तो मेंढक बन जाते, जुओं की बीमारी में मुलव्वस हुए, बड़े बड़े अजाबात आए। तो ये इन बीमारियों के नतीजे में एक से एक अजाब में कौमें गिरफ्तार की गई। सरकार फरमाना चाहते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, मेरे सदके में तुम बच रहे हो लेकिन बीमारियां तुम्हारे अंदर बराबर मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर सरायत की हुई हैं, घूम रही हैं वो बीमारियां, वो सारी बीमारियां तुम्हारे अंदर मुंतकिल हैं लेकिन फिर भी तुम बचे हुए हो। तो बीमारियों को छोड़ो। फिर आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया, तफसीर कबीर के अंदर ये हदीस है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, क्योंकि नबी हैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचते रहते थे, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो आपने देखा कि अर्श के साए के नीचे एक शख्स है। आप बताइए मामूली दर्जा उस शख्स का, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में उसको बिठाया, कोई नहीं, वो बिठाया है, उसको इतना मनसब दिया है। फिर आप सुन के हैरत करेंगे कि वो नबी भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने देखा, मुलाहदा फरमाया, रब्बे कायनात से हम कलाम होने के लिए हाजिर होते थे तो अर्श के साए में अल्लाह ने बिठा के रखा है।
और ऐसी हालत में ऐसे मर्तबे में बैठा है कि जिसको देखकर फरिश्ते भी रश्क करते हैं, रश्क होता है। तो अब रिवायत में आता है हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि इन्ना हादा लकरीमुन अला रब्बी, आहा हा हा, ये कितना खुशनसीब आदमी है, ये कैसे दर्जे वाला है, ये कितना प्यारा आदमी है कि ये अपने रब की बारगाह में मुअज्जज है कि रब ने उसको अपने अर्श के साये में बिठा के रखा है। जरा सोचो, दुनिया का कोई बादशाह बाजू में बिठाए तो कितना खुश होता है, उसका मुकाम दुनिया वाले कितना बड़ा गर्दानते हैं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी यही कहा कि ये तो अपने रब की बारगाह में कितना मुअज्जज हो गया है। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, पूछा, फसअल रब्बहु अन युखबिरहु बिस्मिही, ऐ अल्लाह तू इस खुश नसीब का नाम बता दे कि ये कौन है, ये कौन है, इसका नाम बता दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा ये मेरा ऐसा प्यारा है और खास है कि मैं तेरे सामने इसका नाम भी जाहिर नहीं कर सकता, ये मेरा है, इसको मैंने अपना खास बनाया है, इसको मैंने अपना महबूब बनाया है, इसको मैंने अपने मोहब्बत के पर्दों में छुपा के रखा है, मैंने इसको अपने जलवों में बसा के रखा है, मैं तेरे सामने इसका नाम भी जाहिर नहीं करूंगा, ये मेरा है, बस ये मेरा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये इस तरह फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत रब्बे जुल जलाल ने जब मुलाहिदा फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा नाम तो नहीं बताऊंगा, हाँ अलबत्ता इसके तीन काम बताऊंगा जो इसको इस दर्जे में लाए, नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन तीन काम इसके अंदर थे दुनिया में जो इसको इस दर्जे में ला के बिठा दिए हैं कि मेरे अर्श के साये में बैठा है, मेरी खुरबतों की लज्जत में बैठा है, मेरी यादों के मजे में बैठा है, और मेरी मईयत में बैठा है, मेरी सोबत में बैठा है, और मेरी रिफाकत में बैठा है, जरा देख मेरे जलवों में बसा हुआ है, मेरे अनवार की बारिश में नहाया हुआ है, लिहाजा इसको इस मकाम तक जो पहुंचाए हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो तीन काम है उसको जाहिर कर देता हूं ताकि दुनिया वाले तुम्हारे जरिए से वो तीन काम सुन लें और उस पर आमिल हो जाएं तो उनको भी मैं अपनी मोहब्बत के जलवों में बसा के रखूं। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, मूसा सुन कि इसके तीन काम ये हैं। पहले नंबर का काम ये है कि काना ला यहसुदुन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फजली, इसका सबसे बड़ा काम ये है जो इसको अर्श के साये में ला लिया, मेरी खुरबत में लाया, सबसे बड़ी नेकी ये थी कि ये लोगों को मिलने वाली नेमत और फजल पर हसद नहीं करता था, इसका सीना हसद से पाक था, हसद की बीमारी से दूर था। दूसरा वकाना ला यइक्कु वालिदैह, दूसरा अमल ये था कि अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता था। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, तीसरा इसका काम ये था जो इसको इस मकाम पे पहुंचाया, वो है वला यमशी बिन नमीमा, ये चुगली नहीं करता था। दोस्तों गौर करने का मकाम है, ये जो तीन अमाल हैं इसकी तरफ आज हमारा ध्यान है भाई, हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हैं तो नमाज की तरफ भी ध्यान है, होना भी चाहिए, अफजलुल इबादात, लेकिन ये जो बीमारियां हैं तो इसकी तरफ हमारा ध्यान है नहीं है, बहुत हद तक सिर्फ हमारा ख्याल और ध्यान कभी नमाज की तरफ है, लेकिन इनको छोड़ना है, इनको इख्तियार नहीं करना है, नाफरमानी वालिदैन की नहीं होना, चुगली नहीं करना, हसद की बीमारी से अपने आप को बचाए रखना, इसकी अहमियत को हमने समझने की कोशिश की नहीं। दोस्तों इसमें से एक भी जगह नमाज का जिक्र नहीं है, नमाज हालांकि बहुत बड़ी इबादत है, क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत यह बताना चाहता है जब बंदे इस तरह अपने आप को पाकीदा बनाकर मेरी बारगाह में खड़े होकर सजदे में गिरेंगे तो सजदा खुद उन बंदों पे नाश करेगा और मैं खुद कहूंगा जरा मेरे बंदे को देखो इसकी नमाज कितनी प्यारी है। दोस्तों पाकीजा बनने के बाद की नमाज और है, पलीदगी रखने के साथ साथ नमाज पढ़ना और है। जो बंदे अपने दिल को पाकीजा बनाकर नमाज पढ़ते हैं तो उन बंदों को नमाज अपने वादे के मुताबिक बेहयाइयों और बुराइयों से हमेशा रोकती है, नमाज रोकती है। ये तो नमाज का काम है, ये हमारी खराबी है कि हमारे अपने अमल और तर्ज अमल की बुनियाद पर वो असर नहीं हो रहा है।
तो कितना बड़ा मुश्किल काम है, और बहुत मुश्किल काम है, याद रखें, हसद छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा थोड़ा अपने दिल के अंदर गुंजाइश पैदा करना है, फराखी पैदा करना है, जिसके बारे में भी सुने या देखें कि ये नेमत वाला हो गया, चाहे करोड़पति बना होगा, इल्म में पहाड़ों का इल्म हासिल किया होगा, हम अपने जहन में खट से ये ला लेना है कि नहीं भाई, हमको हसद से दूर रहना है, लिहाजा हम बिल्कुल अपने दिल के अंदर कुछ ख्याल लाए बगैर उसके बारे में अच्छा तसव्वुर पैदा कर लें। और ये अगर नहीं भी कह सक रहे हैं कि अल्लाह और इजाफा करें, कम से कम जुबान और दिल को खामोश तो रखें, खामोश रखें, मुश्किल काम है मगर खामोश, थोड़ा थोड़ा आदत बनाना है, थोड़ा थोड़ा रफ्तार रफ्तार आदत बनाना है। तो ये दिल की बीमारियां हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छह लोग ऐसे हैं, ये खास सुने, छह लोग ऐसे हैं कि जिनको हिसाब से पहले दोज़ख में डाल दिया जाएगा। भाई आपने सुना होगा ना अब तक कि खुशनसीब लोगों में, अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कई किस्म के, जिनको हिसाब से पहले जन्नत में पहुंचाया जाता है, उनका हिसाब नहीं लिया जाता, हिसाब नहीं लिया जाता कई बंदों का, हिसाब में खड़ा ही नहीं किया जाता उनको मैदान महशर में, हिसाब लिए बगैर बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से छह किस्म के लोग ऐसे हैं, हदीस में आता है, बगैर हिसाब के वो दोजख में जाने वाले, बस वो कैफियत का वो है तो अब उससे हिसाब लेना ही नहीं है, सीधा दोजख में, ना उसकी नमाज देखेंगे, ना रोजा देखेंगे, ना सजदा देखेंगे, ना इल्म देखेंगे, ना मर्तबा देखेंगे, ना उसकी ताकत देखेंगे, ना कोई और नेकी देखेंगे, ना तिलावत देखेंगे, ना तवाफ, ना हज, ना उमरा, ना कोई और चीज, बस वो बीमारी उसके अंदर है, बगैर हिसाब के अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को, इससे हिसाब ही नहीं लेना है, लाइन में खड़ा ही नहीं करना हिसाब के लिए, इसको सीधे दोजख में पहुंचा दो। छह लोग हैं जिनमें से सरकार ने फरमाया कि अल उमरा उबिल जौर, पहले नंबर के लोग हैं जुल्म से हुकूमत करने वाले जालिम हुकुमरान, अवाम को सताने वाले जालिम हुकुमरान, जुल्म की वजह से कियामत के दिन हिसाब की लाइन में खड़े ही नहीं किए जाएंगे, बस जुल्म इसके पास है, लिहाजा जुल्म की बुनियाद पर अल्लाह फरमाएगा इसको सीधे दोजख में ले जाओ, पूछना ही नहीं है कुछ, नहीं मेरी नमाज है, नहीं पूछना ही नहीं है, सजदे है, नहीं तिलावत है, नहीं इल्म है, नहीं तजुर्बा है, नहीं जुल्म है, बस दोजख, बगैर हिसाब के दोजख, कोई बात की सुनवाई नहीं होगी। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि वल अरब बिल असबिया, तासुब रखने वाले अरब, ये हुजूर ने खास निशानदेही फरमाई कि अपनी कौमियत बताने वाले अरब लोग, असबियत और कौमियत की बुनियाद पर अपने आप को बड़े कहने वाले अरब, तो जब असबियत पाई जाएगी, कौमी अपना धारा पाया जाएगा, अपनी कौमियत पे गुलू पाया जाएगा, उसके ऊपर बड़ाई पाई जाएगी कि हम वो आला किस्म के लोग हैं, तो इस तरह का तसव्वुर जब किसी के अंदर होगा, अल्लाह फरमाएगा कि इसको बगैर हिसाब के दोजख में डाल दो। तीसरे नंबर पर तकब्बुर करने वाले चौधरी और सरदार और मालदार, घुमंड करने वाले मालदार और सरदार, जिनके अंदर घुमंड पाया जाता है, तकब्बुर आ गया, ऐसा है मुआशरे में, कल तक कुछ नहीं था अब माल पकड़ाओ, तो जब तक कुछ नहीं था तो बिल्कुल अपने एतबार से, मामूली एतबार से ही जिंदगी गुजारता आता जाता था, जैसे ही माल आया तकब्बुर आ गया, बड़ाई आ गई, सरदारी जब आ गई, कल तक कुछ नहीं था आज सिर्फ काउंसलर बना, बड़ाई आ गई, लीडर बना, बड़ाई आ गई, तकब्बुर आ गया, तो अल्लाह ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि कियामत के दिन ऐसे बड़ाई जताने वाले घुमंडी सरदार और मालदार को के बारे में अल्लाह का हुक्म होगा, इससे हिसाब ही नहीं लेना है, बगैर हिसाब के इसको तकब्बुर की बुनियाद पर दोजख में ढकेल दो। फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया कि वत्तुजार बिल खियाना, खियानत करने वाले ताजिरीन, बस एक ताजिर है, ताजिर पेशा आदमी, वो खियानत कर लिया, खियानत करता था दुनिया में,
खियानत की बुनियाद पर अब कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात पेश करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, बस खियानत थी, चलो दोजख में, सीधे दोजख में चले जाओ। ठीक इसी तरीके से हर धर्मी के साथ जहालत रखने वाले, हर धर्मी की जहालत, हमको हम मालूमात नहीं है लेकिन आजिजी इनके सारी है, मालूमात नहीं है लेकिन यह भी मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है, तो यह उतनी बुरी चीज नहीं है। लेकिन बाज लोगों के अंदर ऐसी कैफियत होती है, मालूम तो होता ही नहीं भाई, इल्म नहीं होता लेकिन अपने आप को समझते हम बहुत बड़े इल्म वाले। तो ये जो हरदर्मी है, क्योंकि अच्छाई कबूल करने की तरफ आदमी ऐसी हालत में मालूम मायल ही नहीं होता वो, तो ऐसी जो जहालत होगी कियामत के दिन इसको बगैर हिसाब किताब के दोजख में ढकेल दिया जाएगा। फिर उसके बाद आखा ने फरमाया कि वल उलमा उबिल हसद, मैं खुल्ला बोल रहा हूं भाई कि हसद रखने वाले आलिम लोग, हसद रखने वाले उलमा, उलमा से मुराद सिर्फ ये इल्म वाले उलमा ही नहीं, जिसके पास भी इल्म है वो आलिम, किसी दुनियावी एतबार से इल्म है वो खुसूसी मनसब वाला आलिम अलग है, वो उलमा अलग है, लेकिन यहां उलमा से मुराद इल्म वाला आदमी। तो इल्म वाला अगर हसद का शिकार हो जाए, दूसरे को देखकर, दूसरे की बर्तरी, दूसरे के इल्म की तरक्की देखकर हसद का शिकार हो जाए, हसद करने वाला जो आलिम होगा उसके बारे में कियामत में फैसला होगा कि इसको बगैर हिसाब के दोजख में ढकेल दिया जाए। तो हसद की बीमारी ऐसी है कि हिसाब और किताब के बगैर दोजख में डाल दिया जाएगा, इतनी ज्यादा बदतरीन बीमारी है हसद। अब मैं हसद के एतबार से, एक बहुत बड़ा फायदा है हसद अगर ना हो तो दुनिया के भी फवायद हैं, दुनिया के फायदे हैं, आखिरत का तो फायदा ही फायदा है, हसद से पाक सीना अगर हो तो दुनिया में भी फायदा है। दुनिया में होगा क्या, दुनिया में होगा ये कि जो हसद खोर नहीं होगा परवरदिगार आलम उसकी बरकत से उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। चुनाचे रिसाले खुशैरिया बहुत बड़ी मोतबर किताब है, उसके अंदर आया कि हजरत अस्माई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रायतु अराबियन में एक देहाती को देखा कि वो तकरीबन 120 साल का था, एक देहाती को मैंने देखा कि 120 साल का था, तो उसकी लंबी उम्र को देखकर मैंने उससे पूछा कितनी लंबी उम्र है तेरी, कितनी लंबी उम्र है, 120 साल का हो गया। तो पलट के वो देहाती कहने लगा उम्र को लंबा तो देख रहा है लेकिन मुझे लंबी उम्र मिली किससे वो भी तो पूछ। तो उसके बाद वो देहाती कहने लगा याद रखना मेरे दिल के अंदर हसद के जरासीम नहीं है, मेरा सीना मेरा दिल हसद से बिल्कुल पाकीजा है, तो हसद से खाली होने की वजह से अल्लाह ने मुझे उम्र में ज्यादती बख्शी है, मुझे लंबी उम्र अता की है। तो इससे पता चलता है कि जिनके दिल के अंदर हसद नहीं होता उनकी उम्र लंबी होती है, फिर जब लंबी उम्र होगी तो माल में भी बरकत होगी। आप दूसरे की नेमत को खत्म करना नहीं चाहेंगे तो आपको नेमत मिलेगी भी और बढ़ेगी भी, अगर दूसरे की नेमत को खत्म करने का तसव्वुर होगा ने हसद तो आप खत्म ही नहीं कर सकेंगे और अपने पास कुछ ला ही नहीं सकेंगे। खत्म कोई नहीं कर सकता नेमत को, क्योंकि नेमत कौन दिया है, नेमत अल्लाह ने दी है, नेमत अता अल्लाह ने की है, बंदा कैसे कुदरत रख सकता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत को छीन सके। हां अलबत्ता शरारत कर सकता है, परेशान कर सकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए वो उस बंदे को के ऊपर जादू वगैरह के जरिए से तकालीफ ला सकता है लेकिन जवाल नेमत का नहीं कर सकता, नेमत का जवाल नहीं कर सकता। और 99% ऐसा होता है, याद रखें 99%, क्योंकि रिसाले कुशैरिया के अंदर आया, साहेब रिसाले कुशैरिया बहुत बड़े कामिल वली हैं, फिर ये किताब ऐसी है कि जो मुसल्लम है, तो उसके अंदर आया कि हसद का जो असर है, हसद का असर जिससे हसद किया जा रहा है उस पर पहले जाहिर होता, नेमत वाले पे हसद का असर पहले जाहिर होता,
और दुश्मन जो हसद कर रहा है उसके ऊपर बाद में दायर होता है। क्या मतलब है? मतलब यह है जो आदमी हसदखोर है, जिसके बारे में हसद कर रहा है, इसके हसदखोरी के बदले में परवरदिगारे आलम उस पाकीजा नेमत वाले बंदे को मजीद इसके हसद का नुकसान पहुंचने से पहले नेमत में बरकत अता करता, नेमत बढ़ा देता है। हसद इधर यह कर रहा है तो इसके अंदर कुल की कैफियत। और याद रखें कि हसदखोर कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। हसदखोर हमेशा दिल में कोफ्त में रहता है। अब हसद में क्या क्या होता नहीं मालूम, बीपी बढ़ जाता कम होता, शुगर बढ़ जाता कम होता, जलन एक ऐसी कैफियत है आदमी के अंदर, एक टेंशन है। तो लाजमी बात है कि सारी बीमारियों की जड़ वही है, तो उसके अंदर हसद के असरात तो आना ही है ना। हसदखोर जो होगा उसके जिस्म के अंदर हसद के असरात तो पैदा होना ही होना है, क्योंकि कुल में है, सोच में है, जवाल चाहने में है, और एक इंतहाई ऐसे तसव्वुर में है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। किसी आले से वो हसद की का वो जो टेंशन है ना, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो बढ़ना ही है। तो उसके असरात उसके जिस्म पे पड़ना ही पड़ना है कि उसके अंदर कमजोरी पैदा होगी, उसके अंदर दिमाग की खराबी पैदा होगी, उसके अंदर हार्ट अटैक भी आ सकता है सोचते सोचते। तो ये पूरे असरात उसके अंदर आने ही वाले हैं। लेकिन रिसाले खुशेरिया में बताया गया इधर हसदखोर के ऊपर हसद के बुरे असरात बाद में जाहिर होते हैं, जिससे हसद कर रहा है वहां पर नेमतों की ऐसी बारिश अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है कि वह असरात नेमत की शक्ल में पहले जाहिर होते हैं। जिससे हसद किया जा रहा है उसके ऊपर नेमत के असरात पहले जाहिर होते हैं, जो हसद कर रहा है उसके अंदर कमजोरी के असरात बाद में जाहिर होते हैं। तो हसद जिससे भी किया जाए उसको तरक्की होती है, कभी हसदखोर को तरक्की हरगिज नहीं हो सकती है, कभी भी वो तरक्की नहीं पा सकता है। चुनांचे आखिरी बात है कि हजरत सैयदना इमाम गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ कलिमात पर बात को खत्म करना चाहता हूं, ताकि हम हसद के इतने खतरनाक डगर पे पहुंचने से पहले अपने आप को संभाल के रखें। हजरत इमाम गजाली ने तफसील से लिखा कि हसद किन सबबों से पैदा होता है, किन सबबों से पैदा होता है। याद रखें वो जैसा हमारा तस्वुर है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं कि कभी कभी बुखार आता है, कभी कभी आता और जाता है, तो अगर आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें इलाज के लिए तो वही टाइफाइड और मलेरिया में तब्दील हो जाता है, तो वो हमेशा का बुखार हो जाता है। तो पहले से ही हमको तदबीर करना है कि वो नतीजे पे ना पहुंचे तो पहले इलाज करना जरूरी है। तो इमाम गजाली ने फरमाया कुछ ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से आदमी वो हसद तक पहुंचता है, तो आदमी को चाहिए कि वो पहले के जो असबाब और रास्ते हैं उसमें अगर पड़ जाए तो वहां जरा थोड़ा सा तवज्जो देकर उसका इलाज फौरी कर ले तो बड़ी बीमारी तक नहीं पहुंचेगा। तो इमाम गजाली ने पहला नंबर पर बयान फरमाया वो बीमारी, वो रास्ता, वो सबब, वो वजह, वो इल्लत जो हसद तक पहुंचाती है, वो है दुश्मनी और बग़्ज़। किसी के बारे में दिल में दुश्मनी पैदा हो जाना ये सीधा ही सीधा बाद में नतीजे में जाकर हसद में मुब्तला कर देती, पहले दुश्मनी रहती बाद में हसद। तो ये दुश्मनी का इलाज पहले ही कर ले। याद रखें कि जो दुश्मनी में होता है वो सुधर सकता है, जो दुश्मन होता है वो सुधर सकता है, जो हासिद होता है वो कभी नहीं सुधर सकता है। उसकी एक मिसाल देता हूं, गलत ना समझे, मिसाल है। सहाबा इकराम ऐलान नबूवत के बाद, सरकार ऐलान नबूवत फरमाने के बाद सहाबा इकराम जौक दर जौक वक्त के एतबार से मरहलावार अंदाज में इस्लाम कबूल करने लगे ना। हजरत फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बाद में इस्लाम लाए, 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किए। तो 40वें नंबर पर पहुंचने तक हजरत फारूक आजम क्या करते रहे? हजरत फारूक आजम का इतना बड़ा ऊंचा मर्तबा, सिद्दीक अकबर के बाद आपका मर्तबा, तो 40वें नंबर तक पहुंच के इस्लाम कबूल किए, तो 40वें नंबर से पहले क्या किए? तो आपको हमको सबको मालूम है कि इस्लाम को खत्म करना और नऊज़ बिल्ला पैगंबर इस्लाम को खत्म करना इस तजस्सुस में फिरते रहे।
तलवार लेके फिरते थे कि मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो हुआ क्या, 40वें नंबर पर पहुंचे तो इस्लाम कबूल कर लिए। तो वो जो तलवार लेके फिरते थे उसका नाम क्या है, खत्म करने के लिए जो तलवार नियाम से बाहर निकाल कर नंगी तलवार लेकर फिरते थे तो उसका नाम क्या है? फिर वो ऐन इस्लाम से पहले भी तो तलवार लेके ही निकले थे ना, आपको मालूम है पूरा वाकिया कि हुजूर की बारगाह में पहुंचे नंगी तलवार लेकर, खत्म करने की नियत से निकले थे, भाई बहन भाई और भाई बहन तिलावत करते बैठे वहीं से तब्दील हो गए। तो वो जो तलवार लेके निकले थे बारगाह मुस्तफा तक भी पहुंचे थे, तलवार हाथ में ही थी, तो वो उसका नाम क्या है? उसका नाम दुश्मनी है। खास बात बता रहा हूं, बिल्कुल लतीफ। हजरत फारूक आजम जो खत्म करने के लिए निकले और उतने दिन तक कोशिश करते रहे तो दुश्मनी में थे। किस में थे? ठीक है, हजरत फारूक आजम इस्लाम कबूल कर लिए, अबू जहल क्यों नहीं कर सका? भाई अबू लहब इस्लाम क्यों नहीं लाया? ये अबू लहब तो हुजूर का हकीकी चचा था, ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? दोस्तों यही फर्क है, हजरत फारूक आजम सिर्फ दुश्मनी में थे, अबू जहल और अबू लहब हसद में आ गया था, हसद में आ गया था। जो हसद में आता है वो सुधर नहीं सकता है, जो दुश्मनी में होता है वो सुधर भी सकता है। हजरत फारूक आजम दुश्मनी का ऐलान करते हुए नंगी तलवार के साथ पहुंचे थे, बारगाह रिसालत में पहुंचे, जब जमाले मुस्तफवी पर नजर पड़ी और उधर से रिसालत की नजर इधर फारूक आजम के दिल पे पड़ी तो ऐसी सूरत में उनकी दुनिया बदल गई, वो अदावत जो थी वो खत्म होकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो अदावत एक ऐसा स्टेप है कि जिसमें सुधरने की तवक्को है। तो इसीलिए इमाम गजाली फरमाते हैं, आदमी अदावत में जाने के बाद आखिर में हसद में जाता है। अगर बंदा चाहता है उसके ऊपर लाजिम है तवज्जो देकर पहले स्टेप पर ही वो अदावत का इलाज कर ले तो हसद की बीमारी जो खतरनाक है, जहां पे जाने के बाद सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उससे बच जाए। तो पहली बीमारी, पहला रास्ता जो हसद तक ले जाता है बंदे को, वो है दुश्मनी और अदावत। दूसरा है ताअज्जुस। ताअज्जुस का मतलब है लोगों में अपनी इज्जत बनाना। हसद खोर वो आदमी बनता है नतीजे में जाकर जिसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि लोगों में मेरा मर्तबा कायम हो जाए, लोगों में चार लोगों में मेरी इज्जत हो, महल्ले में इज्जत हो, खानदान में इज्जत हो, शहर में इज्जत हो। तो इज्जत बनाने के चक्कर में जो आदमी चलता है यही इज्जत बनाने का धुन उसको हसद में मुब्तला करता है। क्योंकि लाजमी बात है कि आदमी अपनी चाहत पर मुकम्मल हासिल करना चाहता है, चाहत पर मर्तबा हासिल होना है, तो अगर मर्तबा हासिल ना हो और दूसरे को मिल जाए तो हसद का शिकार हो जाता है। ये इज्जत हासिल करना चाहता है, इज्जत तो दूसरे को दी जा रही, तो लाजमी बात है कि उसकी इज्जत का जवाल चाहता है, खत्म करना चाहता है ताकि वो इज्जत मुझे मिले। इस तरह पूरी जिंदगी इस तरह हसद खोरी में मुब्तला होकर ना वो मनसब उसको मिलता है, ना कभी उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, हसद में मुब्तला होकर वो जहन्नम वासिल हो जाता है। तो अज़्ज़ुस ये भी एक सबब है हसद में पड़ने का, इज्जत चाहना। तीसरी चीज है दूसरों से खिदमत लेने का धुन, दूसरों को खादिम बनाने का धुन। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इससे भी आदमी हसद में पड़ता है। जिस आदमी को वो नौकर बनाना चाहता है, खिदमत लेना चाहता है, फिर अपने कदमों में बिठाना चाहता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उस पर नेमत फरमा दिया तो लाजमी बात है कि उसको नेमत ये खादिम तो नहीं बना सकता, वो बड़ा मर्तबा वाला हो, तो उसको खादिम बनाना चाहता है लेकिन वो तो बड़ी नेमत में आ गया, तो वो नेमत ऐसी है कि इसके अंदर नहीं है, ये उसका खादिम बनना है तो वो इसका खादिम कैसे बनेगा? तो ये खादिम बनाने के चक्कर में हसद में मुब्तला हो जाएगा कि अगर वो नेमत उससे खत्म हो गई तो मैं आसानी से उसको अपने जेर कर ले सकता हूं। ये तीसरा सबब है हसद में पड़ने का। फिर इमाम गजाली ने फरमाया चौथा अताज्जुब, ताज्जुब में पड़ जाना, यह भी हसद में ले जाके ढकेल लेता है। ताज्जुब में पड़ना, अच्छा
इतना बड़ा मर्तबा, कामयाब हो गया, इम्तिहान में कामयाब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो शोरूम खुलने वाले थे शोरूम खोल लिए, अच्छा, ताज्जुब, ताज्जुब का इजहार। तो इस तरह ताज्जुब में जब आदमी पढ़ता है तो ये ताज्जुब उसको, जिस बुनियाद पर ताज्जुब में पढ़ा उसके एतबार से वो हसद में मुब्तला हो जाता है। ये काफिरों के अंदर आदत थी, वो ताज्जुब से कहते थे कि अनुमिनु लिबशर मिस्लिना, ओहो हो हो, क्या हमारे जैसे, नऊज बिल्ला, हमारे जैसे बशर पर हम ईमान लाए। ताज्जुब, हमारे जैसे बशर पर क्या हम ईमान लाए। तो ये ताज्जुब उनको हसद में मुब्तला कर दिया था, हसद। पांचवें नंबर पर इमाम गजाली ने फरमाया कि अल खौफ मिन फौतिल मकासिद। पांचवी चीज, पांचवा सबब यह है जो हसद में इंसान को ढकेलता है, कबल अज वक्त इलाज की जरूरत, वो ये है मकासिद में नाकामी का डर, मकसद में नाकामी का डर जब किसी के अंदर पैदा हो जाए तो हसद में ले जाता है। मकसद बना के रखे हुए कि मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, वो बड़ा वजीर बनूंगा, वजीर आला बनूंगा, वजीर आजम बनूंगा, बड़े मर्तबे का हामिल बनूंगा, मकासिद है हर एक। तो मकासिद के फौत हो जाने का डर अगर आ गया तो मकसद में कामयाबी नहीं हो सकती। अब इनको मकसद में कामयाबी कैसे होना है, कोशिश तो करने वाले है ही नहीं। कोशिश अगर करने वाले थे, मेहनत और जुस्तजू में रहने वाले थे, तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि दूसरों के ऊपर नजर रखे। तो इनको हमारे अपने दक्षिणी जुबान में फुगट में मर्तबा मिलना है, क्या है, मुफ्त में मर्तबा मिलना है, मुफ्त में मकसद में कामयाबी हासिल होना है। तो मुफ्त में तो मर्तबे नहीं मिलते, फुगट में कोई चीज हासिल नहीं होती, तो लिहाजा वो मकासिद में कामयाबी का खौफ पैदा हो जाता है उसके अंदर कि अब तो मैं फेल होने वाला हूं, मकसद पूरा होने वाला नहीं है, तो लिहाजा उसकी बुनियाद पर वो हसद का शिकार हो जाता है। लोग जो मकसद में कामयाब हो रहा उसके ऊपर हसद करो। फिर उसके बाद है हुब्बुर रियासती व तलबुल जाह, रियासत, मनसब, मकाम, आला मर्तबा, भाई इसकी मोहब्बत, दिल में इसकी मोहब्बत का पैदा हो जाना, यह भी इंसान को हसद में मुब्तला कर देता है। तो इतने बड़े ये मकामात, इतने बड़े असबाब हैं खतरनाक कि इनके अंदर रहकर ही हम इलाज करने की जरूरत है। पहले तो अब हमको ये सबक हासिल करना है, उठने से पहले हमारे दिल के अंदर कोई मर्तबा हासिल करने की चाहत ही पैदा ना करें, बस साफ रहे, वो तस्वुरी ना ले जाएं कि हमको किसी एतबार का कोई मर्तबा मिले, बस हम सीधा रहेंगे सिंपल ऐसी। तो कोई मर्तबे की चाहत ही पैदा ना करें। दूसरा ये कि मकसद, मकसद जो होता है वो अपने एतबार से, अपने अंदाज के एतबार से रखें, बड़े बड़े मकासिद पैदा ना करें कि वो अगर छूटने का खौफ है तो फिर हसद पैदा हो जाए। जितना अपनी हैसियत है उतना मकसद। भाई कोई बच्चा एसएससी में कामयाब होना चाहता है, एसएससी का तालिब इल्म है, तो वो ये मकसद तो नहीं रख सकता, क्या बोलते हैं उसके बाद डिग्री में कामयाबी हो जाए। तो जितनी अपनी कायनात है तो उतना ही मकसद पूरा करने की कोशिश में लगे रहें, हद से ज्यादा मकासिद ना बनाए। तो ये इलाज है। फिर उसके बाद ताज्जुब किसी चीज पर, जो ताज्जुब है तो वो ताज्जुब ऐसा ना हो कि किसी चीज की हकीकत को ही फरामोश कर दिया जाए। ताज्जुब अगर हो, कोई ऐसी अच्छी चीज दिखे, तो आप कहें इस्लाम के अंदर जुमले माशा अल्लाह कहें, माशा अल्लाह ये कहें और दिल से निकाल दें, खत्म, ताज्जुब में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद हम आज तक अल्लाह के सच्चे बंदे नहीं बने, दूसरों को नौकर बनाने की चक्कर है। हम पहले अपने आप को सोचें, मैं अल्लाह का अच्छा बंदा हूं, मैं बंदगी में कामिल हूं। जब मैं अल्लाह का बंदा नहीं बन सका अभी, तो दूसरे को खादिम क्यों बनाऊं। तो ये तसव्वुर खत्म कर दें कि दूसरों को नौकर बनाए, वो बनने का बनाने का तसव्वुर ही नहीं हुआ तो हसद की तरफ जाएंगे ही नहीं। फिर उसके बाद है इज्जत हासिल करना, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इज्जत हासिल करना। हमारा धुन सुबह से शाम तक इज्जत हासिल हो, भाई आदमी पैसा भी खर्च कर रहा तो इज्जत के लिए, खैरात कर रहा तो इज्जत के लिए, इल्म दे रहा तो इज्जत के लिए, है ना। तो ये इज्जत, इज्जत, इज्जत,
जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिसको मैं चाहता हूं उसको इज्जत देता हूं, जिसको मैं चाहता हूं उसको जलील करता हूं। सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, सब उसके कब्जे कुदरत में है। तो ये इज्जत हासिल करना जो है ये तसव्वुर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हम कोई काबिल इज्जत चीज है? हमारे अंदर तो हिकारत आना चाहिए, अपने बारे में आजिज़ी इंकिसारी आना चाहिए। जरा अल्लाह वालों को देखो, हजरत सिद्दीक अकबर इतना मर्तबा, पैगंबरों के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो सिद्दीक अकबर का है। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं किसी परिंदे को देखकर कहते थे काश मैं परिंदा होता तो हिसाब किताब से बच जाता, परिंदा होता तो हिसाब किताब से बच जाता। यही फारूक आजम जिनके रोबो जलाल का आलम यह है, आज तक दुनिया कांपती है। हजरत फारूक आजम के अदल इंसाफ के दर्स को लेकर आज लोग कानून बनाते हैं। हजरत फारूक आजम का वो रोब, वो दबदबा, वो सल्तनत और वो खिलाफत की शान शौकत के उस जमाने के दो सुपर पावर किसरा और खैसर आपके नाम से कांपते हुए नजर आते हैं। ये फारूक आजम की कैफियत देखिए, इतने बड़े ऊंचे मर्तबे पर होने के बावजूद रात रात भर मदीने की गलियों में तारीखों में घूमते थे। जहां कहीं बच्चों के बिलकने की आवाज आती, यतीमों के रोने की आवाज आती, बेवाओं के सिसकने की आवाज आती, तंगदस्तियों की आवाज आती, हजरत फारूक आजम बैतुल माल से अपनी नंगी पीठ पर चावल आटे के थैले उठाकर गरीबों के घरों में रात में पहुंचाया करते थे। अरे जो इज्जत वाले थे वो अपने एतबार से लोगों में मुआशरे में इज्जत की ढाक नहीं जमाते थे, इज्जत उनके पास थी लेकिन वो पेवन लगा के पहनना अपने लिए फक्र समझते थे। लेकिन आज हम ऐसे झूठे इज्जत के दावेदार हैं, इज्जत का नामो निशान हमारे पास नहीं है। हम इज्जत कैसे हासिल करें? हम साहेब इज्जत बन ही नहीं सकते, बने ही नहीं। हम कहां बंदगी में है जब वो इज्जत मिले, कहां अल्लाह की अल्लाह के अहकाम के तामील में है कि जो इज्जत वाले बने। अरे पैसा, पैसे की बुनियाद पर इज्जत हासिल करना चाहते हो, ये इज्जत पैसे की बुनियाद पर नहीं मिल सकती। तू करोड़पति और अरबपति होगा तो तुझे फिर वही खाक में जाना है, मिलना है, वो भी एक इज्जत है। यहां तो तू तख्त पे बैठे बगैर सुकून महसूस नहीं करता और कुर्सी शाही पर बैठे बगैर अपनी इज्जत नहीं समझता। खबर में कौन सी कुर्सी बिछा के जाने वाला है, कहां जाने वाला है? अगर दफन किए बगैर तीन दिन रखें तो पूरे घर में बदबू पैदा होगी मरने के बाद। इज्जत का तलबगार है ये इंसान, इज्जत के चक्कर में कितना खराब हो गया है भाई। इज्जत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को है। अब जो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करेंगे वो देगा तो इज्जत है, हम हासिल नहीं कर सकते। वो देगा तो इज्जत है, वो नहीं देगा तो इज्जत नहीं। हम इस तसव्वुर में रहें अल्लाह वालों के, औलिया सूफिया के तसव्वुर में कि बस वो जैसी हालत में रखेगा वैसी हालत। फिर उसके बाद है अदावत और बख्स दुश्मनी की कैफियत भी अपने दिल से खत्म करने की जरूरत। कितना ज्यादा बर्बादी है आज मुआशरे में अदावत और दुश्मनी से, कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं। भाई एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खत्म कर रहा है, एक कलीमा को दूसरे कलीमा को का जानी दुश्मन बना हुआ है। भाई ऐसा दिख रहा है कि वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इंसानियत से, जबकि जानवरों में भी ये कैफियत नहीं है। जानवर भी अपने हम जिनसे मोहब्बत करते होंगे, लेकिन आज इंसान इंसान के खून का प्यासा बना हुआ है। ये दुश्मनी की वजह से है या दावत की वजह से। तो ये सारी खराबियां एक तरफ रख के पूरे इनको हम दिल में पाल के आके सर झुकाएं तो कोई नतीजा कैसे निकल सकता? नहीं, नतीजा बरामद नहीं होगा। तो इन खराबियों का इलाज करना होगा, इनकी तरफ ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। तो इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला, ए परवरदिगार, तू अपने फजल व करम से तेरे हबीब के सदक़े में, तेरे पाकिज़ा लोगों के पाकिज़ा दिलों के सदक़े में, या अल्लाह हम सब इन बीमारियों से महफूज रहने की सकत नहीं रखते हैं, हमारे अंदर ये कैफियत नहीं है कि बीमारियों से बचे। ए परवरदिगार तू ही बचा ले, तू अपने फजल से बचा ले, हमारे सीनों को बिल्कुल पाकिज़ा बना दे, हम साफ़ सुथरे खबर में पहुँचें, हम साफ़ सुथरे हश्र में पहुँचें, हम साफ़ सुथरे तेरी बारगाह में आएँ, हम तेरी बारगाह में खड़े हों यौम हिसाब। ए परवरदिगार हमारे सीने ऐसे साफ हों कि हम भी तेरे उन महबूब बंदों के कदमों को पकड़ कर बेहिसाब जन्नत में चले जाएँ। अल्लाह हम पर लुत्फ़ करम की बारिश फरमा दे। या अल्लाह इस महले पर
तेरी रहमतों की बारिश फरमा दे। जितने हाजिरीन हैं सबके दिल की जायज उम्मीदों को पूरा फरमा दे। मौला इनके घरों में बरकतों का नुजूल फरमा दे। इनके बच्चों की तालीम को तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी कारोबार में उनकी कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह सबको तरक्कियां अता फरमा दे। या अल्लाह हमको दुनिया व आखिरत की सआदतों से माला माल कर दे। सबसे बड़ी दौलत मौला तेरे घर की और तेरे हबीब के दर की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह मरने से पहले हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह बवक्त आखिर तेरे हबीब का जमाल की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह हमारे खब्र की ज़िंदगी, हश्र की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुरखरुई अता फरमा। या अल्लाह जिन अहबाब ने इस जलसे को मुनक़िद किया है, इंतज़ामी कमेटी है, दीगर हमारे कोशिश करने वाले बिरादरान हैं, मौला इनके जायज़ उम्मीदों को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह ऐसी आजमाइश दे कि जिस आजमाइश पर हम सब्र कर सकें ताकि हमारी तरक्की हो जाए। या अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइशों से बचा ले कि जिन आजमाइशों पर हम बेसब्रे हो जाएंगे, जिस आजमाइश पर हम शिकवा करने वाले हो जाएंगे, तो ऐसी आजमाइशों से हम सबको महफूज मामून फरमा दे। या अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। इस्लाम के परचम को बुलंदी अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। या अल्लाह अहले ईमान को इज्जत अता फरमा। या अल्लाह तू ही इज्जत देने वाला है, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं हमारे भाई बीमार